तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के बारे में। तो वीडियो शुरू होने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि LAC पर जारी तनाव को कम करने के लिए गुरुवार को भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच हुई ये बैठक 6 घंटे से ज़्यादा समय तक चली। LAC पर मई के शुरुआती दिनों से जारी तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों में सैन्य स्तर की बातचीत हो रही है। इससे पहले बुधवार को भी गलवान घाटी में मेजर जनरल स्तर की बैठक हुई थी। ये बैठक सोमवार को गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद हुई थी। 3 घंटे तक चली ये बैठक बेनतीजे रही। वही सेना के सूत्रों ने कहा कि गलवान घाटी ऑपरेशन में हमारे जितने भी सैनिक शामिल थे उनकी जानकारी हमारे पास है, हमारा कोई भी जवान लापता नहीं हुआ है। बता दें कि सोमवार की रात को लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, वही चीन के 43 सैनिक हताहत हुए थे। इसमें से कई लोगों की मौत हुई तो कई लोग घायल हो चुके हैं। हालांकि चीन ने कोई आधिकारिक तौर पर आंकड़ा जारी नहीं किया है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि 12 सुकोई लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी में एयरफोर्स, 21 MiG-29 भी बढ़ाएंगी ताकत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव कम होता नजर नहीं आ रहा है। भारतीय वायुसेना के बढ़ते तनाव के बीच अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की योजना तैयार कर ली है। भारतीय वायुसेना ने केंद्र सरकार को 12 सुकई और 21 MiG-29 विमानों के शीघ्र अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव भेजा है। ये प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेज दिया गया है। रक्षा मंत्रालय 5,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट पर अगले सप्ताह तक निर्णय लेगा। सूत्रों के मुताबिक MiG-29 विमानों में रूस मॉडिफिकेशन करेगा और उन्हें अधिक उन्नत बनाएगा। मौजूदा वक्त के हिसाब से अतिरिक्त मॉडिफिकेशन इन लड़ाकू विमानों में कराने का प्रस्ताव एयरफोर्स ने दिया है। 2016 में 36 राइफल अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद वायुसेना में अनुबंधित 33 नए विमानों में से यह दूसरा सबसे बड़ा विमान होगा। और एयरफोर्स ने लड़ाकू विमानों से संबंधित सभी उपकरणों को खरीदने का प्रस्ताव दे दिया है, जिससे भविष्य में खराब होने वाले पार्ट्स को दुरुस्त किया जा सके। दरअसल इससे पहले खुद रूस ने भारतीय वायुसेना की लड़ाकू विमानों की कमी को दूर करने के लिए नए लड़ाकू विमान देने का प्रस्ताव दिया था। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि रिलायंस में निवेश की ओर, सऊदी अरब सरकार का फंड जियो प्लेटफॉर्म में लगाएगा 11,367 करोड़ रुपीस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट और लॉकडाउन से इकोनॉमिक कॉरपोरेट के परेशान होने के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज की तकदीर में लगातार इन्वेस्टमेंट आ रही है। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट की होड़ लगी पड़ी हुई है। अब सऊदी अरब का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF जियो में 2.32% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 11,367 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करेगा। PIF दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावित सॉवरेन फंड में से एक है। सॉवरेन फंड किसी देश की सरकार के द्वारा संचालित होता है। इस तरह पिछले 2 महीनों में विदेशी कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्रीज के सब्सिडियरी कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। इसी के साथ जियो प्लेटफॉर्म में कुल इन्वेस्टमेंट करीब 1,15,693 करोड़ रुपए हो चुका है। इसी तरह रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म का कुल 25% हिस्सा विदेशी कंपनियों के हाथ में चले गया है। रिलायंस की योजना भी 25% तक अपनी हिस्सेदारी बेचने की है। रिलायंस समूह इसी तरह से अपने को कर्ज मुक्त करना चाहता है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि चीन विवाद पर आज होने वाली सर्वदलीय बैठक में ममता बनर्जी भी शामिल होंगी। जी हां दोस्तों, को बता दें कि भारत और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ते जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद पर बातचीत के लिए 19 जून को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। गौरतलब है कि कांग्रेस के तमाम नेता लगातार इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन इस बीच हमेशा मोदी सरकार का विरोध करने वाली ममता बनर्जी ने सर्वदलीय बैठक का समर्थन किया है। जानकारी के मुताबिक TMC की तरफ से इस सर्वदलीय बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद शामिल होने वाली है। ममता बनर्जी ने इसके संकेत बुधवार को ही दे दिए थे। ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा था कि हम सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे, हमें अपने देश पर गर्व है, हम मिलकर लड़ेंगे, हम अपने लोगों के साथ पूरी तरह से एकजुटता से अखंडता से खड़े हुए हैं। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, कश्मीर के माचिल सेक्टर पर दाग रहा है मोर्टार। जी हां दोस्तों, को बता दें कि पाकिस्तानी सीमा पर मुंह के खाने के बावजूद अपनी नापाक हरकत से पाकिस्तान बाज
नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी सेना सीमा पार लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रही है। गुरुवार को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के माचिल सेक्टर पर सीजफायर तोड़ा और सीमा पार से गोलीबारी कर रहा था। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सीमा पार से फायरिंग कर रहा है और मोर्टार भी दाग रहा है। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। गुरुवार दोपहर बाद से ही सीमा पार दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। हालांकि इस गोलीबारी में अभी तक किसी जान माल के नुकसान की जानकारी नहीं है। इससे पहले बुधवार को पाकिस्तान ने 2 बार सीजफायर का उल्लंघन किया था और सीमा पार से गोलीबारी भी की थी। बुधवार को पाकिस्तान ने पहले जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन किया था और फिर राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में से गोलीबारी की थी। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि चीन पर पहला एक्शन, चीनी कंपनी से 471 करोड़ का ठेका रेलवे ने किया रद्द। जी हां दोस्तों, को बता दें कि लद्दाख के गलवान घाटी में चीन की करतूत के बाद भारत अब उसे सबक सिखाने में जुट गया है। भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनी से अपना एक करार खत्म कर दिया है। 2016 में चीनी कंपनी से 471 करोड़ का करार हुआ था, जिसमें उसे 417 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक पर सिग्नल सिस्टम लगाना था। और अब भारतीय रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया DFCCIL ने बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन ग्रुप ऑफ कंपनी लिमिटेड से करार खत्म कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत कानपुर और दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के सेक्शन के बीच 417 किलोमीटर में सिग्नलिंग व टेली कम्युनिकेशन का काम होना था और इसकी लागत 471 करोड़ रुपए थी। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि IPL पर भारत चीन विवाद का असर, वीवो की स्पॉन्सरशिप पर ये बोला BCCI। जी हाँ दोस्तों, को बता दें कि भारत चीन विवाद का असर IPL पर भी पड़ सकता है। IPL का टाइटल स्पॉन्सर चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो है। भारत में चाइनीज प्रोडक्ट्स के कड़े विरोध के बीच अब BCCI ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। BCCI का कहना है कि अगर सरकार भारत में चीनी फोनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेती है तो बोर्ड इसका पालन करेगा और वीवो को टाइटल स्पॉन्सर से हटा दिया जाएगा। बता दें कि वीवो एक चीनी फोन निर्माता कंपनी है। गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच टकराव के बाद देश में मौजूदा भावनाओं के कारण BCCI ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, लेकिन बोर्ड ने इस बात पर भी जोर दिया कि BCCI सरकार को अपने रेवेन्यू का 40% टैक्स पे करता है, जिसका उपयोग देश और देशवासियों के लाभ के लिए किया जाता है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि AGR भुगतान केस, सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों से मांगा 10 साल का लेजर अकाउंट। जी हां दोस्तों, को बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जमा करने को लेकर दाखिला याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने बकाया न चुकाने वाली टेलीकॉम कंपनियों से 10 साल का लेजर अकाउंट मांगा। साथ ही कंपनियों से ये भी कहा कि 10 साल में दिए गए टैक्स का ब्यौरा भी कोर्ट में दाखिल करे। और देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र से कहा कि वो कंपनियों की भुगतान योजना पर विचार करे और कोर्ट को इस संबंध में जानकारी दे। इस याचिका पर अब अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। सुनवाई के दौरान जस्टिस MR शाह ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान दूरसंचार एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो पैसा कमा रहा है, इसलिए उसे कुछ धनराशि जमा करनी होगी क्योंकि सरकार को महामारी के इस दौर में पैसे की जरूरत है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि कोरोना से नर्स की मौत और खराब PPE किट के चलते केस पहुंचा हाईकोर्ट। जी हां दोस्तों, को बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के चलते नर्स की मौत और इस्तेमाल की गई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट से जुड़ी हुई एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है। इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार और दिल्ली नर्सिंग काउंसिल को नोटिस भेजा गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि इस मामले में एक इंस्पेक्शन कमेटी बनाकर जांच की जाए और इसकी रिपोर्ट एक हफ्ते के भीतर कोर्ट में दाखिल की जाए। याचिकाकर्ता ने गुरुवार को कोर्ट को बताया कि पिछले 24 घंटे में ही कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान खुद संक्रमित होकर एक नर्स की मौत हो चुकी है। ऐसे कई और मामले भी मार्च से अब तक सामने आ चुके हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि दिल्ली के प्राइवेट नर्सिंग होम में खुद केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। नर्स को इस्तेमाल की गई PPE किट पहनने के लिए दिया जा रहा है। और याचिका में ये भी कहा गया है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक मास्क, दस्ताने और अन्य जरूरी उपकरणों की सप्लाई भी नर्स को नहीं मिल पा रही है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि अमित शाह बोले कोल ब्लॉक्स की नीलामी प्रक्रिया ऐतिहासिक,
मिलेंगे 2,80,000 से अधिक रोजगार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने निजी क्षेत्र के लिए 41 कोल ब्लॉक्स की नीलामी प्रक्रिया की शुरुआती को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल देश ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि राज्यों के लिए लाखों रोजगार और बड़े पैमाने पर रेवेन्यू बढ़ाने का अवसर मिलेगा। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार का ये निर्णय से 2,80,000 से अधिक नौकरियां उत्पन्न होगी, जिससे 33,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश होगा और राज्य सरकारों के लिए 20,000 करोड़ का वार्षिक रेवेन्यू उत्पन्न होगा। ये कदम भारत को ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और कोयला उत्पादों को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर बनाएगा। तो दोस्तों, इसी के चलते आज की तमाम छोटी और बड़ी खबरें और देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ताजा तरीन खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।